नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी पूरी हो गई है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज करेंगे और 10 लाख करोड़ से ज्यादा की 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन IGP में किया गया है। तो वहीं PM के स्वागत के लिए देश भर से आए सांस्कृतिक कलाकार अपनी कला प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों में भी आज खासा उत्साह और इस दौरान कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए। लखनऊ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाएंगे और यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का जो है वो उद्घाटन करेंगे। 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ये सेरेमनी ऐसी होगी जिसमें 34 लाख लोगों के रोजगार की बात की जा रही है। इस रोजगार से तमाम युवाओं को जो है भविष्य बेहतर होगा और माना जा रहा है यूपी की स्थिति जो है और बेहतर होगी। तो यूपी की जो है इकोनॉमी है बेहतर होगी और इसको लेकर के CM जो है योगी ने ये भी किया है कि पूरे शहर को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। मैं आशीष से कहूँगा एक बार दिखा दें कि किस तरह जो है पूरे शहर को सजाया गया है और पूरा शहर लोग जो है तमाम जो है फोक डांस भी हो रहा है, तमाम और सब लोग आए हुए हैं जो शहर में उद्योगपतियों को रिझाने के लिए और उनको दिखाने के लिए कि लखनऊ कैसा है। चाहे वो संगीत नाटक एकेडमी हो, चाहे यहाँ के और चौराहे हों, समतामूलक चौक हो, सबको सजाया 1090 चौराहा यहाँ के दुल्हन तरह सजाया गया है। और ये ऐसी सेरेमनी है कि जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर के प्रदेश इकोनॉमी में लेकर के क्या क्या वृद्धि की गई है, किस तरह प्रदेश बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है और उद्योगपतियों से क्या क्या हासिल किया सकता है, कैसे जो है यहाँ की विकास योजनाएं बेहतर जो हम जमा पाएंगी और किस तरह प्रदेश में चौदमुखी विकास हो, ये इस सेरेमनी की विशेषता होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में या दोपहर से जब प्रधानमंत्री आएंगे उसके लिए पहले तैयारियां की, शहर के जिस रास्ते के जरिए बैरिकेड करने के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं और पुलिस प्रशासन हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं जो कि सुरक्षा के इंतजाम देख रहे हैं और जहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अभेद्य होगी। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान 1 बजे के आसपास जो चारों तरफ जो बैरिकेड कर दिया जाएगा, जहाँ पर सिर्फ पासधारक ही जाएंगे या सिर्फ नेता जाएंगे। अफसरों ने ऐसा बनाया है कि जो है जिससे कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ पर न पहुँच पाए और उसके अलावा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सबसे बड़ा आगाज होने से यूपी की जो है दिशा और दशा बदलेगी और माना जा रहा है कि ये इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है जो माइलस्टोन स्थापित होगा। अभी जो 34 लाख रोजगार की बात है, अगर पूरे प्रस्ताव जो हम ले जमा पा गए तो 90 लाख रुपए लोगों रोजगार मिल सकेगा। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी रोजगार लोगों मिलता है और कितनी जल्दी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के प्रस्ताव अमली जमा पाते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इससे उम्मीद बढ़ी है कि यूपी की जो है इकोनॉमी सब बूस्ट करेगी और ये सबसे विकसित प्रदेशों में शामिल होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी TN मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। TN, लगातार हमें तस्वीरें देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर आज किस तरीके से वहां पर तैयारी की गई है, किस वक्त तक उनके पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, PM का एयरपोर्ट से काफिला निकलने वाला है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ चुके हैं और इसके बाद PM जो है पहुंचेंगे, क्योंकि अब अलर्ट हो गया। मैं 1090 पे आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। ये ऐसा चौराहा है जहां पर पुलिस एकदम अलर्ट मोड पे है और लगातार पुलिस देखिए आप सबको जो है चाक चौबंद कर रही है और एक्स्ट्रा ट्रैफिक को रोका जा रहा है। इसका मतलब PM जो है कुछ 10-15 मिनट में यहां से गुजरेंगे और पूरी तरह से जो है ये तैयारी हो चुकी है और फिर वो जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये 34 लाख रोजगार की बात नहीं है, 25 निवेशक मंडली नीतियां बनाई गई हैं, पूरी जितो सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, पूरी जितो सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, मित्र पोर्टल ऐसी बनाई गया सिंगल वोटो क्यों उद्योगपतियों को सिंगल विंडो विंडो सिस्टम पे सब सुविधा मिले ताकि कोई दिक्कत न हो, चाहे उन्हें बिजली का कनेक्शन हो, चाहे जमीन की सुविधा हो, चाहे उन्हें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगा। 4,000 प्रतिभागी आज आ रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिमांचल से 52% फायदा मिलेगा, पूर्वांचल को 29% फायदा मिलेगा और मध्यांचल को 14% और बुंदेलखंड को 5%। 500 से ज्यादा जो कंपनियां ऐसी होंगी कि जो AI, टेक्सटाइल, आवास, EV, डिफेंस और डाटा जैसी जो है सिस्टम बनी है, सबसे ज्यादा जो है यह रोजगार परक होंगी।
के जो निवेशक निवेश परियोजनाएं आ जाएंगी तो प्रधानमंत्री खुद इनको जो है अपने हाथ से लोकार्पित करेंगे और माना जा रहा है कि पीएम और सीएम जब मौजूद रहेंगे तो योजनाएं बेहतर तरीके से और समयबद्ध तरीके से लागू हो सकेगी और पूरी कोशिश सरकार की होगी कि बिना किसी बिचौलियों के ये काम हो ताकि उद्योगपतियों को राहत मिले और यूपी में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल, और टीएन कहीं ना कहीं आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से जो आम जनता है उन्हें भी काफी उम्मीद है क्योंकि रोजगार का जिक्र यहां पर है और ऐसे में जो देश का युवा है या प्रदेश का युवा है वो रोजगार से भी काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। जागृति सही करे, देखिए यूपी में बेरोजगारी बहुत है, ऐसा नहीं है कि दावे कोई आंकड़े कुछ भी कहते हो लेकिन बेरोजगारी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है हकीकत में, तो उसे दूर करना सरकार के लिए चुनौती है। सरकार जो है जब G20 प्रोग्राम लागू हुआ, G20 समेत सम्मेलन था यहाँ पे, तो सरकार ने दावा किया G20 के जो प्रस्ताव आए हमारे पास तो उससे हमें 90 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी कोई बहुत ज्यादा इसका प्रतिफल नहीं आया। अब उम्मीद की जा रही है कि इसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद 34 लाख लोगों को परोक्ष या सीधा रोजगार मिलेगा, तो जो 34 लाख लोग रोजगार मिलेगा यूपी के लोग होंगे ज्यादा स्वाभाविक, इससे उनकी बेहतरी होगी और ये युवाओं को जो है घर में खुशहाली आएगी, तो ये उम्मीद की जा रही है। इस GBT से काफी कुछ उम्मीदें हैं और प्रधानमंत्री कहने से भी माना जा रहा है कि जो कुछ कमियां होंगी वो दूर हो जाएगी और जो रोड़े होंगे उनको वो दूर करेंगे और किसी तरह के लोग असुविधा नहीं होगी, चाहे वो रोजगार देना हो या कंपनियों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना हो और यूपी में सभी सहूलियतें और कानून व्यवस्था से उनको बेहतर सुरक्षा देना हो। जी जागृति, बिल्कुल, और फिलहाल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होना है, वहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कौन कौन आज मौजूद रहेगा? आज पूरा कहना सारे उद्योगपति तो है, ये फिल्मी दुनिया सितारे भी आ रहे हैं और सबसे बड़े सीएम योगी और जो है हमने गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल उनका स्वागत करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही आ चुके हैं, वो उनके स्वागत, यहाँ के सांसद हैं वो भी उनके स्वागत लिए मौजूद रहेंगे, कई मंत्री भी केंद्र से भी आ रहे हैं और बाकी यूपी गवर्नमेंट की पूरी कैबिनेट, तो वही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह के डेरा जमाए हुए हैं, ज्यादातर मंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर ही आ चुके हैं। फिर सीएम को आना तो स्वाभाविक है, यूपी की पूरी सरकार और स्तरों का हमला चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और जो डीएम तक सारे अधिकारी वहाँ डेरा जमाए हुए हैं और लोग उद्योगपतियों से पहले सुबह से मिल भी रहे हैं, लोगों की बातचीत चल रही है कि किस तरह सिंगल विंडो सिस्टम फायदा मिलेगा, तो ये सब कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं। जी जागृति, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टीएन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पीएम आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज करेंगे, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम आयोजित होना है और ऐसे में कार्यक्रम को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एयरपोर्ट से उनका काफिला रवाना हो चुका है, अब से कुछ ही देर में वो IGP पहुंचेंगे। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, वो कल्कीधाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने संभल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, इसके बाद वो सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे और पूजा में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने कल्कीधाम मंदिर का भूमि पूजन किया। पूजा के दौरान पीएम मोदी ने एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे दिखे। भूमि पूजन अनुष्ठान खत्म होने के बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे जहां उन्होंने संबोधन में कहा कि यूपी की धरती से भक्ति भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रभावित होने जा रही है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि कल्कीधाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मुझे विश्वास है कि कल्कीधाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं, और आगे
आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। साथियों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। यह दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है, उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। और मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद जी ने दिखा दिया। पांच सदी के इंतजार को समाप्त करने के उपरांत प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर को बनाने और रामलला को विराजमान करवाने के उपरांत पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भगवान श्री नारायण के ही भव्य मंदिर के भव्योद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस संभल जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा, पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है, एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि की नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है, जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है, जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है,
और आपकी आस्था की भी गारंटी है, यही मोदी की गारंटी है। ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, सज्जनता पर खतरा उमड़ता है, भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभिथारम अधर्मस्य तदात्मनम सृजामहम। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए, और भगवान कलयुग में श्री कल्कि निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि पहले सीट शेयरिंग पर बात होगी, जिसके बाद वो कांग्रेस की यात्रा में जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी है, तो वहीं इस पर अब अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले सीट शेयरिंग पर बात होगी और उसके बाद वो कांग्रेस की यात्रा में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पार्टी का नाम राष्ट्र शोषित समाज पार्टी रखा गया है। राष्ट्र शोषित समाज पार्टी का झंडा भी लॉन्च किया गया है और 22 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली आएंगे। तालकटोरा स्टेडियम में वो रैली को संबोधित भी करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है, जिसका झंडा भी अब उन्होंने शेयर किया है। तो वही आपको बता दें कि झंडे को लॉन्च करते ही उस पर पार्टी का लोगो भी रखा गया है। RSSP पार्टी का नाम रखा गया है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। और 22 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली आएंगे और तालकटोरा स्टेडियम में वो रैली को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने 4 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची और उस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मंत्री जनसंवाद यात्रा में शामिल हुई, जहां उन्होंने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश भी दिए। जिला पंचायत के आपके अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। और वो करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का।
पीलीभीत में आपसी विवाद में पति और फाफड़ी से जानलेवा हमला, इलाज के दौरान महिला की हुई मौत, परिजनों की तहरीर पर मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। पीलीभीत के बरखेड़ा इलाके में मामूली बात को लेकर आपस में भिड़े प्रधान पति और अध्यापक, स्कूल के गेट पर बच्चे उतारने को लेकर हुआ विवाद सामने आया। आजमगढ़ के तहवरपुर थाना इलाके में दिखा तेंदुआ, 10 दिन से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, रेस्क्यू करने में जुटी वन विभाग की टीम। प्रयागराज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, लोगों को संबोधित करते हुए जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बहराइच में अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, एक की हालत नाजुक, रामगांव थाना इलाके से नानपारा बाईपास रोड की घटना। एटा के समुखपुर गांव में संदिग्ध परिस्थिति में कुएं में मिला महिला का शव, हत्या के बाद फेंके जाने की जताई जा रही आशंका, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से पड़ताल में जुटी पुलिस। अयोध्या जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने किया धर्मपथ का स्थलीय निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश, धर्मपथ फेज 1 का 95% काम हो चुका है पूरा। एटा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, युवक पर किया था जानलेवा हमला। बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह के बेटे के मांगलिक कार्यक्रम में पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती, वरवधु को आशीर्वाद और परिवार को दी शुभकामना। एटा में कानून से बेखौफ बदमाश, सरेआम बेल्ट से की युवक की जमकर पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कन्नौज में खाटा मऊ गांव में घर के अंदर कमरे में लटकता मिला बैंक की डिप्टी मैनेजर का शव, काशी टोला में किराए पर रहती थी मृतका, परिजनों ने प्रेमी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के।